दोस्तों, आपने ट्रेन में सफर तो जरूरी किया होगा और ये जो ऊपर आपको ट्रेन दिख रही है इसमें ये जो नंबर्स लिखे हैं, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि इसकी पहले की दो डिजिट बताती हैं कि ये डब्बा कब बना है। जैसे कि इसमें लिखा है सबसे पहले 04, तो ये डब्बा 2004 में बना है। और लास्ट की जो थ्री डिजिट है वो बताती है कि ये एसी है या स्लीपर है। अगर 1 से लेकर 200 तक हो तो फिर वो एसी होता है, और अगर 201 से लेकर 400 तक हो तो वो स्लीपर होता है, और अगर 401 से लेकर 600 तक हो तो फिर वो जनरल होता है, और अगर 601 से लेकर 800 तक हो तो वो लगेज होता है, और अगर 800 से भी ऊपर हो तो वो पैंट्री कार्ड होता है। ये जो ऊपर और डब्बे दिख रहे हैं और इस पे जो नंबर लिखे हैं, इसका मतलब आप कमेंट में बताएं, और मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय।